दोस्तों, हम सभी अपनी मुश्किलों को पार करने की क्षमता रखते हैं और यदि हम सकारात्मक और संयमित रहें तो हम अपने किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं जो हमें निर्धारित किया है। इस कहानी से हमें ये जानने को मिलेगा कि हम कैसे अपने से खुद में संघर्ष करके, अपने से खुद से लड़ करके हम अपनी ऊंचाइयों तक पहुँच सकते हैं, उसी के बारे में बात बताई गई है। आइए कहानी की आगे शुरुआत करते हैं। कहानी अगर अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा जिससे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। एक समय की बात है कि एक सरोज नामक गरीब महिला थी, अपने पति के और दो बच्चों के साथ एक छोटे से गांव में रहती थी। सरोज का पति एक किसान था, लेकिन उसकी खेती बहुत ही निराशाजनक थी। उन्हें समवेत अपना जीवन बिताने के लिए बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। एक दिन सरोज के पति बीमार हो गए और उन्हें काम करने में असमर्थता होने लगी और परिवार की आमदनी में तेजी से कमी होने लगी। सरोज ने अपने परिवार को सहारा देने के लिए हर वह चीज़ बेचनी पड़ी जो वो बेच सकती थी। उन्होंने अपने आभूषणों, पशुधन और यहाँ तक कि अपने फर्नीचर को भी बेच दिया। एक दिन सरोज जंगल में भटक रही थी, तभी उसने एक बुद्धिमान बूढ़ी महिला को देखा। उस बूढ़ी महिला ने पहचाना कि सरोज परेशान है और उसने उससे पूछा कि क्या समस्या है। सरोज ने बूढ़ी महिला को अपने पति की बीमारी के बारे में बताया और अपने परिवार का समर्थन करने के लिए कैसे संघर्ष कर रही है इसके बारे में भी बताया। बूढ़ी महिला ने धैर्य से सुना और फिर उसने कहा कि सरोज, मैं देख सकती हूँ कि तुम एक मजबूत और सुदृढ़ निश्चयी महिला हो, तुम इस परिस्थिति को पार कर सकोगी। हालांकि तुम्हें पहले अपने डर को त्यागना सीखना होगा। एक ऐसा कहते हुए सरोज को समझ नहीं आया कि बूढ़ी महिला औरत का क्या अर्थ था इस बात को कहने के लिए, लेकिन उसने उसकी सलाह के लिए उसका आभार व्यक्त किया और उसने अपने मार्ग को जारी रखा। जब सरोज अपने घर पहुंची तो उसने बूढ़ी औरत के विचारों पर विचार किया। उसने एहसास किया कि वह अपनी समस्याओं को इतना ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर रही है कि वह आशा करना ही भूल गई है। उसने निर्णय लिया कि वह अपने भय को परित्याग कर देगी और सकारात्मक दृष्टि पर ध्यान देने केंद्रित करने का संकल्प करेगी। सरोज ने एक सूची तैयार करनी उचित समझा जिसमें उन सभी चीज़ों के लिए उसके पास कृतज्ञता थी। वह अपने स्वास्थ्य, परिवार के चारों ओर सुंदरता के लिए कृतज्ञ थी। उसने योग, ध्यान, अभ्यास शुरू कर दिया जिससे उसे अपने मानसिक स्वास्थ्य पर सुधार मिलने लगी। इसने उसे अपने विचारों को स्पष्ट करने के लिए वर्तमान क्षण में ध्यान केंद्रित करने का सहारा भी प्रदान किया। समय के साथ सरोज ने अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन देखा और वह अब अधिक आशावादी और उत्साहित थी। उसने नए अवसरों को भी समझना शुरू किया। एक छोटे से गांव में हस्तशिल्प व्यापार की शुरुआत का निर्णय लिया और साथ ही साथ उसने स्थानीय समुदाय केंद्र में योग कक्षाओं में संचालित करने का भी निर्णय लिया। सरोज के पति का स्वास्थ्य सुधरा और परिवार में अपनी कठिनाइयों को पार करके पुनः स्थायी स्थिति में लौट आया। सरोज का उद्यम भी बढ़ता गया, वह समुदाय में एक प्रतिष्ठित सदस्य बन गई। इस कहानी से हमें सरोज की मुश्किलों को सामना करने में सबसे बड़ा जो हाथ था वह था उसका डर, जो उसने अपने आप ही खत्म कर लिया था। चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। एक दिन सरोज ने जंगल में भटकते हुए बूढ़ी औरत को देखा, बूढ़ी औरत ने मुस्कुराते हुए देखा और उससे पूछा, मुझे ऐसा लगता है कि तुम अब भय को पार करना सीख गई हो, तुम एक मजबूत और वीर महिला हो गई हो। सरोज ने उस बूढ़ी औरत को उनके मार्गदर्शन के लिए कृतज्ञता के लिए व्यक्त किया और उसे पता था कि वह बूढ़ी औरत के साथ के बिना इस स्थिति को पार नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने उस बूढ़ी महिला का धन्यवाद दिया। सरोज की कहानी हमें यह याद दिलाती है कि हम सभी अपने मुश्किलों से पार करने की क्षमता रखते हैं, अपने समस्याओं को पार कर सकते हैं। जीवन में कई सारी चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन हमें कभी भी अपने आत्मविश्वास को नहीं खोना चाहिए। हमें हमेशा सकारात्मक और संयुक्त रहना चाहिए।
तो हम किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं जो हमने अपने लिए निर्धारित किया है, जो हमने अपने लिए सोच रखा है। तो ज़रूरत है हमें अपने आप से लड़ने की, अपने डर से लड़ने की और अपने अंदर आशा को जगाने की। तो कहानी यहीं ख़त्म करते हैं दोस्तों। मुझे ज़रूर बताइएगा कि इस कहानी से आपको क्या अच्छा लगा, आपको कुछ अगर जानने को मिला है नया तो कमेंट ज़रूर करिएगा। जय महाकाल।